हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल सुहानी विद मम्मीज ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा बाहर जाने वाली हूँ और खाली ओनली ड्रेस पहनी हूँ, कुछ लगा ही नहीं हूँ। और बच्चे चले गए स्कूल और कल रात को इन लोग वीडियो बना रहे थे, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन सब है और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली खाना पका चुकी हूँ। खाने के बाद सुहानी के पापा थोड़ा आज घर पर है तो मुझे थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि बच्चे आते फिर मैं बाहर चली जाती तो परेशान लगता। और सुहानी के पापा, बाय द वे, आज सुहानी के पापा हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ मीन्स मैं, मेरे दोस्त जा रहे हैं बाहर और एक दोस्त को मिलने के लिए, क्योंकि वो उनके हस्बैंड ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं तो वो पार्टी दे रही है, तो वहाँ पे हम लोग अभी मिलेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो सुहानी के पापा बोले ठीक है चली जाओ, मैं आज बच्चे को देख लूँगी। मैं बोली आप देखोगे ना? बोले हाँ हाँ मैं देख लूँगा, आप जाओ, एक ही दिन की तो बात है, बार बार ये दिन नहीं आएगा, आप जाके एंजॉय करो। तो इसीलिए मैं खाना पकाना हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरे दोस्त यहाँ पे बाजू में तो वो हम दोनों जा रहे हैं, और बाकी का जो भी है मैं आने के बाद करूँगी। अभी बहुत नहीं तो इधर से करके उधर जाऊँगी तो पूरा टायर्ड हो जाऊँगी, थका लग जाएगा। तो चलो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और उधर जाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत वीडियो करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है, पॉसिबल जितना हो सके, क्योंकि हर कोई वीडियो में आने के लिए तैयार नहीं होगा ना, तो मैं देखूँगी जिस जिस हालात में ठीक लगे वहाँ पे मैं वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और फ्रेंड्स, दिखा देती हूँ सुहानी के पापा को, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेटे हैं और मैं जाऊँगी तो मुझे पता चल रहा है कितना काम करेंगे ये। चलो कोई नहीं, एक दिन का तो बोल रहे, मैं कर लूँगी, अभी देखेंगे, ठीक है। चलो आप लोगों को मिलाने के लिए दिखा दी, सो गए हैं, यही देखो उठ गए, ओह नो, ये देखो हाय भी। चलो हो गया आपका, सो जा देखो सो I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. मेरा ब्लॉग का शूट होगा, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे डॉल्स जो कि मैं इस शूट में यूज करने वाली हूँ। अब मैंने अभी हाफ डॉल को ही सजाया है, ये है राज, ये है सुशील, बिकॉज हम लोग अभी सिमरन फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, ये है पिंकी और ये है न्यू कैरेक्टर, द न्यू कैरेक्टर, ये है पिंकी, शी इज पिंकीज डॉटर एंड शी इज सिमरन्स डॉटर। एंड आपको पता चल जाएगा कि इसमें सिमरन क्यों नहीं, और आप देख सकते हो मेरे पास कितने सारे डॉल्स हैं यहाँ पे, एंड दिस आर ऑल डॉल ड्रेसेस जो मैंने इसके अंदर रखा है, एंड दिस आर ऑल द स्टफ्स, ओके, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। और फ्रेंड्स, जल्दी ही मेरा संडे के दिन स्टोरी आने वाला है, आई एम रियली रियली एक्साइटेड। सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, और मम्मी बाहर गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ और अभी मम्मी आ चुकी है घर पे, और मम्मी बहुत टायर्ड हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही थकान लगा लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, वो और गई थी तो आते टाइम मैं कुछ लेके आई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, दोस्तों मिल के गए थे और बच्चों को भूख लग रहा है और बोल रहे हैं कि मम्मी जल्दी जल्दी कुछ बना के, तो अभी क्या बनाऊँ, इतना टायर्ड लग रहा है और थकान भी लग रहा है और बच्चों को भी देखना पड़ेगा। तो चलो मैं ब्रेड लेके लाई हूँ, आते टाइम ब्रेड लाई हूँ और घर पे पनीर था, मैं दिखाती हूँ ब्रेड और पनीर था, तो अभी चलो मैं आपको बना के एक चीज़ दिखाती हूँ, आप लोग घर पे ट्राई कर रहे होंगे तो मुझे कमेंट करके बोलना, और मैं ऐसे सिंपल सा बनाऊंगी बच्चों के लिए, ठीक है। चलो फटाफट बना देते हैं।
चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे पापा मेरा क्या डॉक्टर सेट का ये स्टेथोस्कोप लेके पहने हो? मुझे लग रहा था ये मुझे ये काम कर रहा है सही में। तो मैंने तो मेरे चैनल में बोला था ये काम कर रहा है बोल के। रुक को ये बोलना तो मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। जोर से जोर से मम्मी का सांस लेना हो गया परेशान कर दे रहे हैं। डॉक्टर दस घंटे बाद में हमको देंगे कि क्या हुआ। ठीक है ये जाके साई के पास करो जा छोटे बच्चे के जा देखो बाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी को यहाँ पे चिली फ्लेक्स दे दी हूँ कि हमको पिज्जा में मिला था तो हम लोग अभी यूज करेंगे इसको है ना। और इसके अंदर भी मम्मी थोड़ा केचप है तो डालेंगे डालू अभी नहीं रुको अभी बस मेयोनीज और टमाटर डाल के मिक्स करो। यम्मी यम्मी मैं डालू थोड़ा केचप किसमें डाल दूँ? नहीं नहीं अभी नहीं इसमें तो बिल्कुल ही नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो केचप कब डालोगे? अभी वो नहीं डालेंगे बाद में डालेंगे। और ग्रीन चिली डालो ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ग्रीन चिली अभी नहीं कब डालोगे? अरे नहीं मतलब ग्रीन चिली सॉस ओनली सिंपल सा बनाएंगे बेटा। तो अब इवनिंग के टाइम में ये थोड़ा सा भूख लगने के लिए कर सकते हैं ना। आपको अगर ज्यादा जल्दी जल्दी भूख लग रहा है पर जल्दी जल्दी करना है तो ये कर सकते हैं। ग्रेटर मम्मी भूल गई सब चीज इधर उधर रखी है। पनीर 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 आप एक के ऊपर एक डालोगे या फिर दोनों को अलग रखोगे? हाँ इसके दोनों को नहीं एक एक ऐसे ऐसे सिंगल। अच्छा मम्मी मम्मी नानी वो फूड ब्लॉगर कैसे दिखाते हैं वैसे? कैप्सिकम नहीं है ना कैप्सिकम होता था और अच्छा लगता है। मम्मी फूड ब्लॉगर कैसे दिखाते हैं? आंटी जी नमस्ते नमस्ते कितने का दिया आपने? चलो एक्टिंग करते थोड़ा आंटी जी। नहीं मैं आज थोड़ा प्लीज ना प्लीज 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 एक्टिंग कर लग रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे नांदेड़ की मशहूर आंटी के पास जो अच्छा अच्छा पनीर ब्रेड बनाती है सिंपल सा और बहुत यम्मी बनाती है। आंटी आप कितने का रुपीस का दिए? एक खाओगे बोल के मैं बना रही मैं आपको नहीं चाहती ना आंटी ये केचप ज्यादा नहीं है ना इसके अंदर है ना मम्मा केचप इसको निकालो। आंटी आंटी जी नमस्ते कितने का दिए एक एक प्लेट? एक प्लेट कितने का दिया आंटी? दो रुपए। कौन सा? अरे मम्मा अरे ये ऐसे ही निकल जाता और ये है ऑरिगेनो फ्लेक्स एंड हम लोग इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं इसके ऊपर डाल के ना मम्मा। चलो अभी डालते हैं इसमें बहुत थोड़ा सा आया है तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा लगेगा थोड़ा डालना है ज्यादा डालेंगे तो तीखा लगेगा। मैं काम करो चिली फ्लेक्स सबका थोड़ा थोड़ा ड्राई करके सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं चिली फ्लेक्स हो गया दर पीस लिए बट आई लव चिली फ्लेक्स। पर हमारे समर कैंप में ना मतलब मैंने बनाया था कुकिंग जब कॉन्टेस्ट था तब मैंने बनाया था। ज्यादा तीखा बोले सही नहीं खाते नहीं इतना तीखा नहीं लगता। चलो चलो नहीं ज्यादा तीखा नहीं चलो डाल दो ना। नहीं नहीं बेटा थोड़ा इसमें डाल देती हूं इसमें लगे ना थोड़ा डाल दो आपको नहीं पता चलेगा। रुको नहीं नहीं ऑर्गेनो स्टाइल ऑर्गेनो फ्लेक्स रह गया डाल दूं? डाल दो डाल देती हूँ सबके प्लेट में थोड़ा ऑरिगेनो फ्लेक्स और बहुत यम्मी है। हम लोग जब नेक्स्ट टाइम अच्छे से लेके आएंगे तो आप सबको है ना एडजस्ट करना है एक एक रख प्याज को भी ऐसे मसाला डाल के भी उसके ऊपर रख सकते हैं लेकिन मैं इतना नहीं करूँगा सिंपल सा बनाऊंगा। मैं डालू एक डालू तो जगह नहीं है जगह नहीं चार चार करें चार ही आएगा एक बार में और बहुत ही यम्मी है ये और ऊपर से थोड़ा डालेंगे मुझे तो लग रहा है पिज्जा पिज्जा ब्रेड पिज्जा है ना चारों साइड ऐसे लगा देंगे तो वैसे ही दिखेगा। और फ्रेंड्स अगर चीज चीज होता तो भी डाल सकते थे बट पर पनीर भी चीज जैसे है ना स्वीट कॉर्न कैप्सिकम और चीज भी मम्मा चीज को भी लो ना इसे उसके ऊपर थोड़ा ऑयल डाल दे। और फ्रेंड्स आप कौन सा भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो जैसे कि कैप्सिकम कैरोट्स या फिर चीज वगैरह वो ऑप्शनल है आपसे भी के लिए हमने हमारे पास जितना अवेलेबल हमने उसमें किया अभी गैस फ्लेम को सीम कर रही हूं अभी हो जाएगा जल्दी जल्दी। हाँ जब हो जाएगा आप सभी तो दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा रेडी हो चुका है रोस्टेड ब्रेड सैंडविच देखिए मैं आपको बैकसाइड कैमरा में दिखाती हूँ इतना अच्छा बना है फ्रेंड्स रोस्टेड ब्रेड सैंडविच
इन लोगों को देंगे वो खुश हो जाएंगे। चलो लो स्वानी के पापा और स्वानी जितना भड़ास हो रहा था लो जितना आप लोगों का भड़ास था चले गए उधर। हम लोगों को अच्छे से पूछे नहीं किए नहीं। मैं आपको आप लोगों को खाना भी पका के गई थी आने के बाद भी देखो इतना थकान होके भी बनाई हूँ। ओह नो टेस्ट करके बोलो कैसे बनाए। टेस्ट तो करो रोस्टेड ब्रेड सैंडविच चीज अच्छा लग रहा है। सही बोलो और कुछ बनना थी कैप्सिकम कॉर्न सब डालते और अच्छा लगता है। देखो ओके लग रहा है खा लेते हैं और मैं बनाई तो मुझे टेस्ट करने के लिए भी नहीं। अच्छा है ना ज्यादा सॉस मुझे मत फिर जो घर पे जरूर ट्राई करिए। ब्रेड सबके घर में अवेलेबल रहता है नहीं रहता पास में शॉप है ला सकते पनीर चाहिए और मेनू थोड़ा बस हो गया आपका। तो फ्रेंड्स वानी के पापा ये भी खाना बना रहे हैं उनके यहाँ पर आराम करो और मैं बना देती हूँ रात के लिए। तो वो बना रहे हैं मम्मी सच में बहुत टाइट लग रहा है मेरे आज से आप लोगों को पता चल रहा होगा। और यहाँ पे देखिए सुहानी यहाँ पे बैठी है वीडियो करने के लिए उधर से उसके पापा आएंगे तो इधर वीडियो बनाएंगे। और मैं क्या लाई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक फोन लाई हूँ गोल्डन रेड ऐसे मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं तो दो दो ऐसे डालती रहती हूँ ना तो ऐसे मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये वाला चूड़ी और ये और ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ। सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। हो सके तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाई आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों को जो भी मेरा डेली रहता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए जो भी न्यू होंगे। और कमेंट फ्रेंड्स दीजिए आपका ज़्यादा कमेंट रहा तो मैं अपने ब्लॉग में पढ़ा मतलब सबका नेम पढ़ूंगी और मैं नहीं पढ़ पाती हूँ इसलिए शायद मेरे से कोई कोई खफा भी होंगे तो उसको सॉरी बार बार बोल रही हूँ। आगे से मैं कोशिश करूँगी कमेंट पढ़ने के लिए लेकिन आपका ज़्यादा कमेंट होना चाहिए तो मैं अपने वीडियो में आप सभी का नेम पढ़ूंगी ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा लाडो लाडो रानी सब लाडो है जितने सारे और ये एक बड़ी लाडो है पूरा तैयार होके बैठी है फ्रेश होके। मैं तो मेरा आँख से आपको पता चल रहा है कहाँ पे मैं लेट जाऊँ सो जाऊँ जैसे लग रहा है कि यहाँ पे सो जाऊँ फिर यहाँ से मुझे उठा देंगे ये लोग वीडियो बनाएंगे तो उधर जाऊँगी तो उधर साइड टीवी देख रहा है ऐसे करते रहते हैं मुझे। और चलो और ज़्यादा बात नहीं करती हूँ फिर मुलाकात होगी न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय टिल देन ऑल ऑफ यू गुड नाइट बाय बाय। सुहानी बाय बाय करो बाय बाय और सुहानी के पापा उधर से बाय 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 आपको आवाज आ रहा होगा ना बाय बाय। मैं उठ के और उनको नहीं दिखाऊंगी इस बार अभी लास्ट अभी एंड कर रही हूँ ना फिर दिखाऊंगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय बाय ऑल ऑफ यू बाय बाय।